क्या आप लोग जानते हैं कि एक सबमरीन समुद्र के अंदर काफी महीनों तक भी रह सकती है। ऐसे में जितने भी जरूरी जो सामान होता है, चाहे फ्रेश फूड हो या फिर कई सारे इक्विपमेंट्स, उन्हें पोर्ट पर जाकर के नहीं लिया जा सकता। उन्हें सबमरीन तक पहुंचाने के लिए कई मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे सामान को एक साथ सबमरीन पर डिलीवर करने के लिए कार्गो एयरक्राफ्ट से एयर ड्रॉप किया जाता है। उसके बाद में सबमरीन हर एक पैकेज को अलग अलग कलेक्ट करती है। दूसरे मेथड में अगर कोई दूसरी शिप से डिलीवर करना हो तो हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहले सबमरीन ऊपर सरफेस हो जाती है और उसके बाद में हेलीकॉप्टर की मदद से सारे कार्गो को उसके ऊपर डिलीवर कर दिया जाता है। छोटे पैकेजेस को डिलीवर करने के लिए कई बार ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्रू मेंबर्स ऊपर आकर के सारे सामान को कलेक्ट कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से सबमरीन तक फ्रेश प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं।